टाइगर स्टेट कहलाने वाला मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में नंबर वन बना हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर में बाघों की मौत के ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बीते 11 महीने में मध्य प्रदेश में 37 बाघों की मौत हुई है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। बीते 11 महीने में एमपी में 37 बाघ मारे गए हैं, यह हमारे सिस्टम पर बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स भी इसके लिए मध्य प्रदेश वन विभाग और टाइगर अथॉरिटी के अधिकारियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो वहीं सत्तासीन बीजेपी इसे सामान्य बात बता रही है। मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ देश में शीर्ष पर है। भोपाल के टाइगर विशेषज्ञ अजय दुबे का कहना है कि 11 महीने में 16 टाइगरों का शिकार हुआ है, ये सरकार की लापरवाही का नतीजा है। मध्य प्रदेश में बाघों की मौत जो है पिछले 12 वर्ष में काफी बड़ी संख्या में हो रही है। देश भर में नंबर वन है बाघों की मौत में, और यहाँ पर शिकार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। 11 महीने में करीब 14 बाघों का शिकार हुआ है। शिकारियों को कठोर सजा न होने से इन पर कहीं ना कहीं वन विभाग की नरमी भी दिखाई देती है। सजा दिलवाने में असफल वन विभाग बाघों को सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनना था, वो नहीं बन पाया। गुप्तचर जो सूचना रहती है वो भी कमजोर है। टाइगर रिजर्व में अराजकता का माहौल है। 2 टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ और पेंच में फुल टाइम फील्ड डायरेक्टर नहीं है। इसके अलावा जो भी अधिकारी वो राजनीतिक सिफारिश में है, फील्ड में जो वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर्स हैं उनको भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। बाघ की मौतों और शिकार के मामलों पर भाजपा का कहना है कि सरकार के कदमों के कारण ही मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना हुआ है। एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश से टाइगर लुप्त हो रहे थे। भाजपा की सरकार आने के बाद 800 से अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में हैं। देखिए, सरकार के जो कदम है उसी के कारण ही, उन्हीं सुफल के कारण ही आज मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक बाघों वाला टाइगर स्टेट बना है। आप देखेंगे कि एक समय बाघ लुप्त हो रहे थे मध्य प्रदेश में, आज अगर बाघ हैं लगभग 800 के करीब बाघ मध्य प्रदेश के अंदर हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने एक जो मंत्र है हमारे पुराणों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो हमने जो है उस पृथ्वी को माता मान करके उस पर्यावरण को हमने सब संरक्षण किया है, और उसमें जो भी वनचर रहते हैं, जितने भी चराचर जीव हैं, सबके लिए संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार ने किया है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के अंदर भी बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, और जो इस प्रकार से ये बड़ी विचारणीय बात भी है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि देखिए, 3 प्रकार से डेथ के एनालिसिस विश्लेषण सामने आता है। उसमें आता है एक तो नेचुरल डेथ होना, दूसरा आता है टेरिटोरियल फाइट होती है उनके अंदर, और तीसरा आता है जो हंटिंग के द्वारा होती है। तो यह विषय जो है वन विभाग और उन संबंधित जो वन्य जीव विशेषज्ञ हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं और उस पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज अगर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट किया है, उनके संवर्धन करने का काम किया है, ये इसी कारण है कि आज मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक टाइगर वाला स्टेट है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बड़े बड़े इवेंट करना भाजपा का काम है। पीएम मोदी ने कूनो में भी चीते लेकर आए थे, लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाए। कांग्रेस ने बाघों की मौत के मामलों को सरकार का कुप्रबंधन बताया। देखिए, टाइगरों का राजनीति करना तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यहाँ चीते छोड़े गए, और उन चीतों में से कितने चीते आज जीवित हैं वो सबके नजरों में है। करोड़ों रुपए इस पर खर्च हुआ। और रहा सवाल कुशासन का, तो कुशासन ऐसा है, न तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, न युवा सुरक्षित हैं, न कोई भी कुपोषण वाले लोगों को पोषण आहार मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, और ऐसे में जीव जंतुओं का परेशान होना या टाइगर स्टेट पर एक उखाड़ाघात होना, जीव जंतुओं की मौतें होना, ये दर्शाता है कि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार किसी की नहीं है, ये सिर्फ इवेंट पर बिजी रहते हैं, इवेंट करने में बिजी रहते हैं, और 50% कमीशन को सेट करने में इनकी रुचि दिखाई देती है। ये वही काम करते हैं जैसे 50% कमीशन उनका फिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।